नमस्कार दर्शकों, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। चलिए बढ़ते हैं आज की विशेष खबरों की तरफ। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टियावन मैदान में एक जनसभा के माध्यम से सबुज साथी के अंतर्गत साइकिल, कन्याश्री के तहत 25,000 का चेक के साथ पानी के पंप सहित ट्रैक्टर का वितरण करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर कसा तंज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को अपने उत्तर बंगाल सफर के अंतिम दिन टियावन मैदान से कई सरकारी योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने जन कल्याण की कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने आज विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को साइकिल व कृषि यंत्र समेत अन्य उपकरण वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। सुश्री बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पैसे को विज्ञापन पर खर्च करने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की यह योजना बेटियों के साथ छलावा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की इस योजना से बिहार पश्चिम बंगाल सरकार की कन्याश्री योजना अच्छी है, जहां अब तक बेटियों के विकास के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने दिखा दिया कि विकास का मतलब क्या होता है। खूब दुर्बल अवहेलित जिला हिसाब से কেউ ফিরেও তাকাতো না, ওই দেখতেই নেই থা। কিন্তু আজকে উত্তরবঙ্গ অন্তত প্রতি মাসে আমার আসার সুযোগ হয় এবং আমি যত আসি উত্তরবঙ্গে গত 70-77 বছরে কেউ কিছু করেও নি আসেও নি। যদি আমি নাটসেলে বলি, জলপাইগুড়ি জেলা আর আলিপুরদুয়ার জেলা একদিন একই জেলা ছিল, এ তো একই জেলা থা। আলিপুরদুয়ার জেলা কো হাম লোগো নে নয়া জেলা কে নয়া জেলা বানা দিয়া। देश भर के साथ सिलीगुड़ी में भाजपा की ओर से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन के उपलक्ष्य में बुधवार को पूरे भारत में बीजेपी की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इसी मद्देनजर भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला की ओर से भी सिलीगुड़ी में इस दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष देवजीत सरकार, जिला साधारण संपादक राजू शाह के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। সর্দার বল্লভ পটেলের মূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে গুজরাটে, সেটা আজকে ওপেনিং করবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং তিনি সারা ভারতবর্ষ একত্রিত করার জন্য আজকে সর্দার ভাই পটেলের জন্য কাশ্মীর এবং হায়দ্রাবাদ যেগুলো একসময় অন্য জায়গায় ছিল সেগুলোকে আজকে একত্রিত, পুরো ভারতবর্ষকে অখণ্ডিত করার জন্য 550টি জাতিকে একত্রিত করার জন্য সর্দার বল্লভ ভাই পটেলের হাত ধরে আজকে হয়েছে। তার জন্মদিন উপলক্ষে আজকে আমরা সারা ভারতবর্ষে এই রান ফর ইউনিট করেছি এবং ওনাকে আমরা ওনার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষ ওনাকে তুলে ধরার জন্য আজকে আমরা লোকেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য মোদিজি আজকে আজকে তুলে ধরে সারা বিশ্বের কাছে। सिक्किम के नाथुला सीमांत इलाके के कस्टम विभाग ने तस्करी की करोड़ों रुपए की सूखा समुद्री घोड़ा किया जब्त। सिलीगुड़ी के खालपड़ा स्थित गांधी मैदान में कृत्रिम नदी में होने जा रही है छठ पूजा का आयोजन। सिलीगुड़ी नगर निगम के 8 नंबर वार्ड की ओर से पिछले साल की तरह इस साल भी खालपड़ा के गांधी मैदान में छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। वार्ड के छठ पूजा आयोजक समिति की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन कर बताया गया कि पिछले साल गांधी मैदान में नदी का शक्ल का कृत्रिम जलाशय तैयार कर छठ व्रतियों के लिए पूजा की व्यवस्था की गई थी। पिछले साल यहां निर्मित घाटों को गंगा, जमुना, सरस्वती घाट का नाम देकर पूरे उत्साह के साथ पूजा का आयोजन किया गया था। इन घाटों पर 125 परिवारों ने छठ पूजा संपन्न किए थे। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष भी यहां 125 घाटों का निर्माण किया जाएगा। छठ घाट पर पूजा की उत्तम व्यवस्था के साथ छठ व्रतियों एवं आम लोगों के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के विमल गुरुंग गुट के सूरज बागदास को कालिंपोंग की पुलिस ने हिरासत में लेकर कालिंपोंग अदालत में किया पेश। अदालत ने दिया पुलिस को 7 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश। मुख्यमंत्री की सभा में जा रही एक वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त, घायलों को बीरपारा राज्य साधारण अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मुख्यमंत्री के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 16 लोग घायल हुए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री बनर्जी का काफिले की एक गाड़ी जब टियावन की ओर जा रही थी, उसी समय उस गाड़ी का चक्का फट गया, जिससे गाड़ी पलट गई। यह घटना बानरहाट के रैंक बैंक चाय बगान में हुई है और घायलों को स्टेट जोनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे मीटिंग में ममता बनर्जी की मीटिंग में
रेड ब्याङ्कमा पुग्ने साथ गाडी पल्टी भएर अगाडिको टायर बस्ट भयो, त्यहाँबाट पल्टी खाएर चाहिँ हामीहरू 9-10 जना चाहिँ घायल भएर राम्रो मान्छे चाहिँ गयो र हामीहरू घायल भएको चाहिँ बाँडाआट हस्पिटलमा देखाएर पिपिएस उयोहरू लिएर त्यहाँबाट बिरपडा हामीलाई रिफर गरे र यहाँ डाक्टर देखाउन हामीहरू हस्पिटलमा आएको छ। अब समय हो चुका है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। दार्जिलिङको सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत नागरी फार्म निवासी लक्ष्मण तामाङको मोटर बाइक पल्सर 220cc को इन्सुरेन्स पेपर पल्युसन पेपर नागरीदेखि दार्जिलिङ बीच हराएको छ। CG15CP9141 छत्तिसगढ नम्बर भएको उक्त बाइकको डकुमेन्ट भेट्न हुने व्यक्तिले 7872778058 मा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। साथै डकुमेन्ट भेट्ने व्यक्तिलाई उचित इनाम राशि प्रदान गरिनेछ। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो बेहुनरों से बचिए और हुनरमंद को ही काम दीजिए। फोटोज एंड वीडियोस आर मेमोरीज फॉर लाइफ, लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कॉन्टैक्ट सिमानी इंस्टीट्यूट ऑफ द जी विजन एंड प्रोडक्शंस। मोबाइल नंबर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इंदिरा गांधी के 34वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को हाशमी चौक पर वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर एक रक्तदान शिविर का किया आयोजन। इस अवसर पर उपस्थित रहे नक्सलबारी माटीगाड़ा के कांग्रेस के विधायक शंकर मालाकार एवं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पर्यवेक्षक श्री वीपी सिंह। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान भी किया। देश को बहुत मेहनत करके देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी आज नहीं रही, उन्होंने अपनी शहादत क्यों दी? देश की एकता और अखंडता के लिए। उनको पता था, उनके अंगरक्षक आईबी का ये इनपुट था कि आप ये बॉडीगार्ड मत रखिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए देश जो है सर्वोपरि है, कंट्री फर्स्ट। उन्होंने नहीं चेंज किया, आज हमारे बीच नहीं रहे, हम सब आज ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर। तो कांग्रेस का एक स्टैंड है, नेशन फर्स्ट। सारा भारत व्यापी इंदिरा गांधी मृत्यु दिवस हिसाब से, प्राण दिवस हिसाब से रक्तदान शिविर आयोजन एवं लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल 131वां जन्मदिवस आज के एकसाथे उद्यापन करा। आईसीसी सेक्रेटरी वीपी सिंह, आईपीसी प्रेसिडेंट आलोक चक्रवर्ती, जिला कांग्रेस सेक्रेटरी जतन शाह सह हमरा एक कथाई बोलते चाहिए, भारतवर्षे समस्त राजनीतिक दल के कांग्रेस के कास थेके चूरी करते हैं। कालिम्पोंग जिले के जिला शासक डॉक्टर विश्वनाथ ने बुधवार को तासीडिंग ग्राम पंचायत का दौरा कर राहत वितरण सामग्री का लिया जायजा। अपने दौरे के दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत के कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, एमआर दुकान के डीलरों, फूड एंड सिविल सप्लाई के एसआई सहित गांव के अन्य लोगों से गांव की समस्याओं, खाद्य वितरण, ग्रामीण योजनाओं के संबंध में बातचीत की। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम ब्लॉक के तुरभुरी खंड ग्राम पंचायत में एक विधवा सुरई ओराव का काठ का घर जलकर हुआ खाक। ज्ञात हो वह महिला अपने 5 बच्चों के साथ उस घर में रह रही थी। दीपावली को केंद्र कर आगामी 4 से 6 नवंबर तक दार्जिलिंग के गोरखा दुख निवारक सम्मेलन मैदान में फूल प्रदर्शनी के साथ फूल बेचने का कार्यक्रम करने जा रही है जनसेवक संस्था। करसियांग के रोहनी रोड पर एक हाथी के हमले से दिलीप सोवार की सर में गहरी चोट लगने से हुई मृत्यु। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहिणी चाय बागान के जबराहट के रहने वाले 50 वर्षीय अपना सोबार के पुत्र थे दिलीप सोबार। वह खलासी के रूप में कार्य करते थे। इधर बावन पोखरी के रेंज ऑफिसर सरोज राय ने बताया कि उक्त युवक को नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। गोवालपुखुर थाने की पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में होटल मालिक समेत 23 लोगों को 44,900 रुपए के साथ किया गिरफ्तार। सोना चांदी अथवा मिट्टी से नहीं बल्कि मोती से मां काली की प्रतिमाओं के लिए तैयार कर रही है आभूषण। सिलीगुड़ी के एक महिला कलाकार दोयल दास पिछले 18 वर्षों से मूर्तियों का निर्माण करती आ रही हैं। उनके द्वारा निर्मित प्रतिमाएं शहर के कई प्रसिद्ध क्लबों की पूजा पंडालों की शोभा बढ़ा चुकी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वे मां को सजाने के लिए आभूषणों का निर्माण मोतियों से कर रही हैं। इस बार भी उनके द्वारा तैयार मां काली की प्रतिमा विधान रोड में होने वाली पूजा पंडाल में दिखेगी। ठाकुर
এটা হচ্ছে আপনার স্টেডিয়ামের ওখানে পুজোটা হয়, বড় পুজো। কতদিন ধরে আপনি এই ধরনের কাজ করছেন? আমি প্রায় 18 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু বিয়ের পর থেকে মেন শুরু হয়েছে বেশি করে কাজ করা। আর এখন যেমন অনেক বড় বড় শিল্পীদের সাথে কাজ করেছি, এখন একটু একটু করে সবাই জানছে, তো একটু কাজের পরিমাণটাও বেড়েছে। এগুলোর চাহিদা বেশ ভালোই আছে, কারণ এগুলো না নতুন একটা পরিকল্পনা, যেটা মানুষ চাইলে সহজে সব জায়গায় কিনতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এগুলো একদম নতুন, এগুলো আপনি কোথাও পাবেন না। ইউনিক, আপনার কাছে একটাই থাকছে, এক পিস। আব তক কে লিয়ে ইতনা হি। উত্তর বঙ্গাল এবং সিকিম কি তমাম খবরো কে লিয়ে আপ বনে রহিয়ে এসকে লাইভ কে সাথ। আপকা সময় আপকি খবর। ধন্যবাদ।